गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी टिप्स। माई नेम इज़ गुलशन खान। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ DIY समर स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ। गाइज, समर्स में हमारी स्किन डल हो जाती है, टैन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, ये सारे स्टेप करने के लिए आपको बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें आपके किचन में ईजिली मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लेंज़र। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स हो जाने के बाद एक कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे। ये क्लेंज़र हमारी स्किन को अच्छे से डीपली क्लीन कर देता है। इस क्लेंज़र को आप फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। क्लेंज़र हो जाने के बाद हम फेस को फेस वॉश की हेल्प से वॉश कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम बनाएंगे स्क्रब। तो स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच कॉफ़ी। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच राइस फ्लोर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हनी ऐड कर देंगे। ये हमारा इजी वाला स्क्रब बनकर रेडी हो चुका है। अब हम स्क्रब को अप्लाई करेंगे। ये स्क्रब बहुत ही इफ़ेक्टिव वाला स्क्रब है, क्योंकि हमने इसमें कॉफ़ी ऐड की है। कॉफ़ी हमारी स्किन से टैनिंग की प्रॉब्लम को दूर करती है, और राइस हमारी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। इसमें हमने हनी भी ऐड किया है। हनी हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, और ये स्क्रब हमारी स्किन से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम को भी दूर करने में हेल्प करता है। थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे टोनर। टोनर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 चम्मच खीरे का जूस। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बोतल में स्टोर कर लेंगे। इस टोनर को आप 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। हमने इस टोनर में कुकुम्बर ऐड किया है, इसलिए ये टोनर हमारी स्किन के पोर्स को टाइट करता है। टोनर हमारी स्किन के pH को भी बैलेंस करके रखता है, और इससे हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। फोर्थ स्टेप में हम बनाएंगे फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। अब हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप लेमन जूस ऐड कर देंगे। इसके बाद रोज़ वाटर की हेल्प से इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा फेस पैक बनकर रेडी है। इस फेस पैक में हमने मुल्तानी मिट्टी ऐड की है। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के ऑयल को कंट्रोल करती है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। लेमन जूस हमारी स्किन से टैनिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है, और डल स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करता है। इस फेस पैक को 10 से 15 मिनट अपने फेस पर ऐसे ही रहने देंगे, और ड्राई हो जाने के बाद ठंडे पानी की हेल्प से वॉश कर लेंगे। स्टेप्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।